अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। सुबह सुबह मैंने अपने लिए बनाई थी फ्रूट चाट और नाश्ता कर लिया है उसी का। बस ये हमारा गमला जो टूटा था, अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला, तो आज इसका हल निकालने के लिए ज़रा बाहर जाना है और इसके अलावा एक और छोटा सा काम है। तो बस निकलते हैं घर से फटाफट से, मैं रेडी होकर नीचे आ गई थी तो अब चलते हैं। हम लोग निकले हैं जी ज़रा डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि उसामा को बहुत बुरी डस्ट एलर्जी है और आजकल वैसे ही डस्ट वाला सीज़न चल रहा है। तो जब भी डस्ट उड़ती है या कुछ भी आंधी आती है, कुछ भी होता है, तो उनका गला जो है वो बहुत बुरे तरीके से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो पहले ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बिल्कुल ठीक है। एक जस्ट फाइनल चेकअप है तो उसके लिए चलते हैं, एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा लेते हैं। दूसरा, हीट वेव शदीद आई हुई है पूरे पंजाब में, बल्कि क्या पूरे पाकिस्तान में। तो कोशिश करेंगे गैर ज़रूरी घर से बिल्कुल भी ना निकलें, जब ज़रूरी काम हो तब निकलें। अगर किसी को घर से बाहर निकलना है तो मेक श्योर करें कि वो प्रॉपर जो है प्रिकॉशंस लेके घर से बाहर निकल रहे हैं। पानी की बॉटल साथ में रखें और ज़रा ध्यान करें अपना। रास्ता भी ज़रा लंबा है और ये टाइम इस तरह का है कि स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है, तो रोड्स के ऊपर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो जितना टाइम लगना होता है नॉर्मली उससे ज़्यादा लगता है पहुँचने। डॉक्टर से हमने हो लिया है, चेकअप डन हो चुका है, अब बस जल्दी से घर की तरफ निकलते हैं। लेकिन जाने से पहले, घर जाने से पहले, हमने जो हमारा बाहर वाला जो गमला है वो टूट गया है, वो ढूँढना है। पहले चल के कोई नर्सरी ढूँढते हैं और चल के गमला लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि वो जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है बाहर धूप की वजह से, जलना स्टार्ट हो गया। हम लोग पहुँच चुके हैं नर्सरी में और जब तक उसामा देख रहे हैं कि हमने क्या लेना है, मैंने सोचा मैं तब तक अंदर से एक बार घूम के आती हूँ कि सारी नर्सरी है किस तरह की और आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो जिस तरह मैं अंदर गई हूँ, ये पूरा शेड से कवर किया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स, मुझे तो सबके नाम भी नहीं आते, पता नहीं कौन कौन से हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बड़ी मज़े की चीज़ें थी यहाँ पे। मतलब अगर आप लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है, क्योंकि मामा को बहुत ज़्यादा है हमारे घर में, तो मुझे भी मतलब उनके साथ अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे पता चल गया है कि मतलब ये वाला प्लांट ये है, ये है, इसके इस तरह होता है। बस जी हमारा काम तो हो गया है और ये नर्सरी जो है ये गीगा मॉल के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है, जी टी रोड पर। तो अगर किसी ने यहाँ से प्लांट्स लेने हैं, किसी को शौक़ है, तो वो यहाँ पे आके ले सकता है। यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी है। ये फूल देखें कितने प्यारे हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इनका क्या नाम है। यहाँ से अपना काम ख़त्म करने के बाद अब हल्की फुल्की सी लग रही है भूख, तो पहले चल के अपनी भूख का इलाज करते हैं। और तो उसके लिए हम लोग आए हैं जूस लाइन पर, तो चल के कुछ ऑर्डर करते हैं हल्का फुल्का सा और कुछ खाते हैं। ये वॉल देखें कितनी प्यारी है। बस जी ऑर्डर हम लोगों ने अपना दे दिया है, अब हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जल्दी जल्दी से हमारा ऑर्डर आ जाए और हम खा पी के आराम से घर को चलें। ऑर्डर हमारा आ गया है, मैंने अपने लिए मंगवाए हैं गोलगप्पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं और उसामा को क्योंकि थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो उन्होंने अपने लिए मीठी चटनी के साथ मंगवाए हैं दही भले। तो ये दोनों वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की थीं, बहुत मज़े का टेस्ट था। गोलगप्पे तो बहुत अखीर किस्म के मज़े के थे। बस अब खाना शाना हमारा डन हो चुका है और घर की तरफ वापस निकलते हैं। और जी ड्राइविंग करने की बारी है अब मेरी, तो बस जल्दी जल्दी से घर चलते हैं और चल के फ्रेश होते हैं पहले, सबसे पहले तो, और उसके बाद आराम करेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी में घूम फिर के। तो बस चलते हैं घर की तरफ। बस जी घर आके अब मैं फ्रेश होके बस थोड़ी देर के लिए लेटी हूँ, थोड़ी देर के लिए सोते हैं और उसके बाद उठ के देखते हैं कि क्या करना है। अभी फ़िलहाल कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही, बस जल्दी से सो जाते हैं। मैं अभी सो के उठी हूँ और बाहर आके देखा है तो पता चला है बाहर तो आज हवा चल रही है, सही मौसम बना हुआ है, तो ज़रा टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा नीचे आ गया इस टाइम। बस भूख लग रही है, जल्दी से खाना खाते हैं। खाने में आज बना है भिंडी का सालन, साथ में रोटी है, जल्दी से खाना खाते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। मैं गई हुई थी आज बाहर और वापसी पे चक्कर लगा मार्ट पे, तो वहाँ मुझे नज़र आई ये गोरमे रेड अनार, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पीऊँ भी और आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर करती हूँ कि ये किस तरह की लगी है मुझे। तो जल्दी जल्दी इसको खोल के पीते हैं और चेक करते हैं।
ग्लास में मैंने इसको डाल दिया, बस अब इसको पीते हैं। तो जी इसको मैंने डाल के पिया है और आई थिंक ये मज़े की है। पहले मैंने एक दो सिप लिए तो इतना मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया कि क्या टेस्ट है, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा और पिया तो फिर मुझे समझ आया कि इसके अंदर अनार का टेस्ट आ रहा है और साथ में जस्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक है, लेकिन बहुत मज़े की है और रिफ़्रेशिंग सी है। और खाना मैंने खाया है, खाना खाने के बाद पी रही हूँ तो बड़ा ना फ्रेश फील हो रहा है यार। तो आई थिंक दिस इज़ वर्थ इट और इसको मैं रेट करूँगी 9/10। दिस इज़ वेरी गुड, वर्थ इट, वर्थ ट्राइंग, बहुत मज़ेदार है। ये एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है, आप अगर कोक, पेप्सी, स्प्राइट और ये सब कुछ स्किप करना चाहते हैं और वो नहीं यूज़ करना चाहते तो उसकी जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर और भी फ्लेवर्स पड़े हुए थे लेकिन मैं फ़िलहाल यही लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह और भी लाके बाकी सबके भी रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जल्दी शेयर करूँगी वो भी। खाना शाना जी मैंने खा लिया है, पेट भर गया है, अब मैं सुबह की बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और क्योंकि सुबह से हम लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं कभी कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर नींद तो पूरी की है लेकिन अभी आई डोंट फील वेल, सो मैं अपना ब्लॉग भी इधर ही एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।